हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं पिवट टेबल। हमने लास्ट क्लासेस में पिवट टेबल की समराइजेशन के बारे में सीखा था। आज हम बात करेंगे पिवट टेबल की ग्रुपिंग, सॉर्टिंग, मूविंग इन सब चीजों के बारे में, जैसे कि हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे। तो सबसे पहले डेटा हमारा वही है जिसपे हम बात काम कर रहे थे, दूसरा डेटा आ गया है, फिर कोई बात नहीं, इसी करते हैं। यहां सिंपल डेटा मैंने बनाया हुआ है, हम इसी पे करने जा रहे हैं। इंसर्ट पिवट टेबल और यहां हम ओके करते हैं। तो अब बात करते हैं सबसे पहले सॉर्टिंग के बारे में। इसे हमने नेम दे दिया और यहाँ पे अपना सॉर्ट कर दिया, डेटा रह गया। अब डेटा आपने जो आपके डेटा में जो सीक्वेंस है उस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली सॉर्ट हो जाता है, लेकिन मुझे यहाँ पे वैल्यू के अकॉर्डिंग सॉर्ट करना है। मुझे इसमें वैल्यू के अकॉर्डिंग सॉर्ट करना है, तो क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक, सॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट या लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, राइट क्लिक करके आप कर सकते हैं। इस पे भी आप रखें कर्सर और यहाँ भी शॉर्ट कर सकते हैं, ए टू जेड या जेड टू ए। तो शॉर्ट आप इस तरह से इसके अंदर कर सकते हैं। अगर आपके पास दो कैटेगरी है तो क्या करेंगे, जैसे कि मैं इस डेटा पे पिवट लगा रहा हूं जो कि मैंने आपको डेटा भेजा था, अब यहां पे जैसे कि मान लीजिए कि मैंने रीजन लिखा हुआ है, रीजन के नीचे प्रोडक्ट रख दिया और फिर इसके सामने हम अपना एक्चुअल सेल्स दे देते हैं। तो अगर आप रीजन पे राइट क्लिक करके अगर शॉर्ट करते हैं तो रीजन के हिसाब से शॉर्ट होगा, आपका प्रोडक्ट जो है सही रहेगा। लेकिन मुझे प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग शॉर्ट चाहिए तो रीजन में छेड़छाड़ नहीं होगी, उसके सेकेंडरी एक्सेस को मानते हुए वो हर इसको जितने भी रीजन्स है उसके प्रोडक्ट को शॉर्ट करेगा। तो इस तरह से हम शॉर्ट कर सकते हैं। ओके तो शॉर्ट, अब शॉर्ट के बाद बात करते हैं मूविंग की। देखिए शॉर्ट तो हुआ कि एक पर्टिकुलर सीक्वेंस को फॉलो किया, हम बात करते हैं मूव की। मूव का यूज किया क्या होता है, मूव का मतलब ये हुआ कि हमने डेटा बनाया हुआ है लेकिन मैं चाहता हूं कि इसमें एशिया पैसिफिक सबसे टॉप पे रहे, कोई सीक्वेंस नहीं है, बस मैं चाहता हूं कि टॉप पे रहे। ठीक है, तो इस पे राइट क्लिक कीजिए, यहां पे आपको दिखेगा मूव टू बिगनिंग। तो किसी भी पार्ट को आप मूव यहां से कर सकते हैं। ओके अब सॉर्टिंग एंड मूविंग को हम कॉलम वाइज भी कर सकते हैं। इसमें मान लीजिए कि हमने इंडस्ट्री को रख दिया कॉलम में, तो मैं कॉलम वाइज भी शॉर्ट कर सकता हूं, ए टू जेड और जेड टू ए, आप यहां कॉलम वाइज भी शॉर्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि मुझे यहां पे मिडिल नॉर्थ अमेरिका का सेल चाहिए, तो राइट क्लिक किया और यहां पे मैंने शॉर्ट कर दिया लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट या स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट में, तो यहां देखिए इकट्ठा हो गया। तो इस तरह से इसको शॉर्ट किया जा सकता है, तो कॉलम वाइज भी सॉर्ट कर सकते हैं और कॉलम वाइज मूव भी कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए फाइनेंस को सबसे पहले रखना चाहता हूं, राइट क्लिक कीजिए मूव और फाइनेंस टू बिगनिंग कर दीजिए, तो सबसे शुरू में हमारा फाइनेंस आ जाता है।
तो सॉर्टिंग और मूविंग दोनों हम टॉप टू डाउन एंड लेफ्ट टू राइट कर सकते हैं। मूविंग में यहाँ पे देख लीजिए और भी ऑप्शंस हैं, जैसे कि मूविंग टू बिगनिंग, अप, लेफ्ट, डाउन, डाउन एंड एंड रो, मतलब कि स्विच करना आपको इसका यूज कर सकते, मतलब कि रो मतलब कि इसको उठा के नीचे रख देगा, इस तरह से इसका यूज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं फिल्टर की। फिल्टर, फिल्टर की जरूरत क्यों पड़ती है? फिल्टर इसमें तीन तरह के फिल्टर होते हैं। जैसे मान लीजिए कि कस्टमर आ गया, राइट, तो बहुत सारे कस्टमर करेंगे, मुझे कुछ पर्टिकुलर कस्टमर का ही रिपोर्ट देखना है, मुझे कुछ पर्टिकुलर कस्टमर का ही रिपोर्ट देखना है, तो कैसे करें? तो यहाँ पे फिल्टर ऊपर दिख रहा होगा, इस पर क्लिक किया, यहाँ देखिए चेक बॉक्स है, जिस कस्टमर का चाहिए, जैसे मुझे इस कस्टमर का चाहिए, इस कस्टमर का चाहिए, इस कस्टमर का चाहिए, तो ओके करके आप इसको फिल्टर अप्लाई कर सकते हैं। कंडीशन की बात करें तो यहाँ पे आपको लेवल ऑप्शंस हैं। लेवल मतलब कि आपके कस्टमर्स, और इसमें एक वैल्यू है जो सामने टोटल आ रही है नंबर्स में, जो आपका एक्चुअल का सम है, उस पर अप्लाई होगा। ये दोनों आप ध्यान से अपना देख लीजिए। जैसे कि अगर मैं अगर लेवल बिलेवल पे करूं और यहां पे इक्वल इज नॉट इक्वल, बिगेन विथ, डज नॉट बिगेन विथ, एंड विथ, contain, does not contain, greater than, less than, between, ये सारा आपको यहाँ दिख रहा है, इसका यूज कर सकते हैं। वैल्यू भी मैनेजमेंट टॉप 10 करना चाहता हूँ और ओके कर दिया तो ये टॉप 10 सेल्स हमारे यहाँ आ जाएगा। तो ये आपका कॉलम, ये रो फिल्टर हुआ। अब मुझे इस पे कॉलम फिल्टर अप्लाई करना है, तो कॉलम फिल्टर के लिए क्या करेंगे? कॉलम फिल्टर के लिए अब मैं कॉलम में कुछ रखता हूं, उसके बाद उससे पहले इसकी फिल्टर को क्लियर करता हूं, क्लिक किया क्लियर फिल्टर, तेरा आपका कॉलम फिल्टर। मान लीजिए मुझे इसमें से कोई प्रोडक्ट नहीं चाहिए, तो मैंने ओके कर दिया तो प्रोडक्ट यहाँ पे नहीं आएगा, वापस लाना है, क्लिक कीजिए वापस आएगा। इसके भी आपका वैल्यू मतलब जिसकी जो वैल्यू आई है उसके ऊपर से मैंने यहाँ पे टॉप 10 में मैंने यहाँ पे टॉप 3 कर दिया, तो यहाँ पे आपके सामने करने पे ये आपका टॉप 3 आ जाता। इस तरह से कॉलम के अंदर फिल्टर कर सकते हैं। एक होता है हमारा पेज फिल्टर, एक हमारा होता है पेज फिल्टर। पेज फिल्टर क्या होता है? अब पेज फिल्टर मतलब जैसे कि मैंने कोई रिपोर्ट बनाया, मान लीजिए यहां पे अभी रिपोर्ट ओवरऑल रिपोर्ट है, मुझे पर्टिकुलर रीजन का रिपोर्ट चाहिए। जी हाँ, एक पर्टिकुलर रीजन का रिपोर्ट चाहिए, कैसे करेंगे? तो यहां हम अपना जो रीजन है उठा के यहां आपका फिल्टर जो दिख रहा होगा इस फिल्टर में रख देंगे। उसके बाद हम यहां पे जिसको सिलेक्ट करें, इसमें एशिया पैसिफिक को सिलेक्ट किया, अब पूरा रिपोर्ट हमारा एशिया पैसिफिक का ही शो हो रहा है। इसमें अगर कोई और क्राइटेरिया ऐड करना हो एक से ज्यादा, तो आप यहाँ एक से ज्यादा क्राइटेरिया भी यूज कर सकते हैं, यहाँ पे क्वार्टर 1 का चाहिए,
यहाँ पे 2008 का चाहिए, तो इस तरह से भी आप अपनी क्राइटेरिया कर सकते हैं। ओके, तो ये आपका पेज फिल्टर होता है। पेज फिल्टर आपको पूरे पिवट टेबल को फिल्टर करता है। तो तीन तरह के फिल्टर हैं। पहले आपका रो यह है कॉलम फिल्टर, रो फिल्टर, कॉलम फिल्टर एंड आपका पेज फिल्टर। इसमें कोई डाउट है आप लोगों को? पेज फिल्टर क्या बताया आपने? पेज फिल्टर, पेज फिल्टर जो यहाँ पे आता है और ये पूरे के पूरे आपके पिवट टेबल को फिल्टर करता है, ठीक है। अब इसी एग्जांपल मैं एक और इसमें बताना चाहता हूँ कि मुझे ईयर वाइज रिपोर्ट चाहिए, ईयर वाइज। तो हमने यहाँ पे देखिए इस तरह का रिपोर्ट हमें बनाना है। हमारे पास यहाँ पे एक्चुअल का सम ले लिया, इंडस्ट्री ले लिया रो में, और ये हमारा प्रोडक्ट कॉलम में है। अब इसमें मुझे क्या करना है कि जैसे एक एक करके मैं रिपोर्ट देख रहा हूँ 2003, तो ये हमारा 2003 का रिपोर्ट है। ये 2004 हमारा 2004 का रिपोर्ट है। ऐसे वन बाय वन हम देख रहे हैं। अब मुझे ज़रूरत क्या है, मुझे ज़रूरत है एक जितने साल है ना उतने रिपोर्ट की, मतलब कि उतने सीट यहाँ पे बने और एक सीट में एक साल का रिपोर्ट हो, एक सीट में एक साल का रिपोर्ट आना चाहिए, ठीक है। तो क्या करें इसके लिए? इसके लिए आप पिवट टेबल के एनालाइज में चले जाएं और यहां ऑप्शन दिखेगा। सबसे पहला ऑप्शन इसमें आपको दिखेगा शो रिपोर्ट फिल्टर पर पेज, शो रिपोर्ट फिल्टर पर पेज। विजय शर्मा जी, मुझे मेरी आवाज, विजय जी मेरी आवाज आ रही है आपको? आपने म्यूट कर रखा है। हेलो विजय जी, अरे म्यूट खुल गया। हाँ सर ठीक है, आ रही आपको ना सर? आपने पहली बार डिवाइस ऑडियो नहीं ऑफ कर रखा है, तो आप ठीक है सर। ओके, तो मुझे क्या चाहिए कि मुझे इस रिपोर्ट को ईयरली चाहिए एक एक सीट में। तो हम एक एक सीट में जो अलग अलग लगाएंगे उससे अच्छा है कि एक बार आपने पिवट इसमें लगा लिया, उसके बाद डिजाइन में गए, ऑप्शन पे जाए, शो रिपोर्ट फिल्टर पर पेज, शो रिपोर्ट फिल्टर पर पेज, इस पे आइए और अपना सिलेक्ट कर लीजिए ईयर एंड ओके। ओके क्लिक करते हैं। अभी देखिए ईयर यहाँ पे वही आएगा जिसको आपने फिल्टर में रखा होगा। अगर आपने फिल्टर में कुछ नहीं रखा तो ईयर में भी कुछ नहीं आएगा। देन ओके पे क्लिक किया, क्लिक करते हैं, आप देखिए पूरा अलग अलग सीट क्रिएट हो गया और जिस सीट में उसी सीट का डेटा है। आई थिंक आप लोगों को थोड़ी सी कंफ्यूजन ही होगी, तो मैं इसको दोबारा बता देता हूँ। ठीक है, तो मैं मान लीजिए ईयर हटा देता हूँ। मुझे यहाँ पे सेल्स रिप्रेजेंटेटिव का लिस्ट है, तो मैं चाहता हूँ जितने सेल्स रिप्रेजेंटेटिव है उतने सबका अलग अलग रिपोर्ट बने, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि इसका रिपोर्ट हमारा ए है, तो इसका सीट का नाम भी वही होना चाहिए, फिर दूसरे सीट पे दूसरे का डिटेल आना चाहिए, फिर तीसरे सीट पे तीसरे का डिटेल आना चाहिए, इस तरह से। तो हम याद रखिएगा कि जिसके वाइज आपको सेग्रीगेट करना है अपने पिवट को, उसको उसको हमेशा फिल्टर वाले फील्ड में रखें, फिर उसका डेटा। फिर आप डिजाइन में, डिजाइन नहीं सॉरी पिवट टेबल एनालाइज में चले जाएं। ये तभी आएगा जब आपका पिवट टेबल पे क्लिक होगा, बाहर क्लिक करेंगे तो नहीं आएगा। जैसे पिवट पे क्लिक करेंगे तो ये टैब आपको आ जाएगा। इस टैब पे क्लिक करें और सबसे पहला ऑप्शन आता है शो रिपोर्ट फिल्टर पर पेज, और यहाँ पे और भी ज़्यादा हो सकता है, जरूरी नहीं कि एक ही रखे, दो तीन हो सकते हैं, किसी एक के अकॉर्डिंग ही रिपोर्ट को सेग्रीगेट कर सकते हैं। एंड ओके कीजिए, एक क्लिक पे ही चाहे वो 10 हो
या सौ हो वो आपको यहां पर दिख जाएगा। ओके समझ गए ज्योति जी सिलंदर जी, कोई डाउट आप लोगों को? हेलो आगे बढ़े। अब इसमें अगला ऑप्शन आता है, हम बात कर रहे हैं ग्रुपिंग की। अब ग्रुपिंग देखिए, ग्रुपिंग राज सकवाल की चीज है और इसकी जरूरत हमें पड़ती रहती है। ग्रुपिंग भी तीन तरह के होते हैं, डेट्स, टाइम। तो हम यहाँ अपने पुराने डेटा पे आते हैं, इसमें डेट नहीं है। सर ये जो फिल्टर आपने अभी लगाया था ऑप्शन में लेके पेज वाली, ये इसको हटाने के लिए फिर क्या करेंगे? अगर ये नहीं लगाना, हटा देना है तो जहाँ पे लगाया उसको क्लिक करके ड्रॉप कर दीजिए। आपने यहाँ पे लगा दिया, इसको हटा दीजिए यहाँ से, ठीक है। अब जैसे कि हम यहाँ पे नेम ही देख रहे हैं, तो हमारे पास टीम के मेंबर्स हैं, उनके सेल्स हैं। अब मुझे क्या है कि इसमें हमारा जो है कुछ वेंडर है और कुछ हमारा इन हाउस टीम है। ठीक है, तो जैसे कि मैं चाहता हूं कि मेरा युवा जो है उदय, आस, देव और पूजा, ये चार जो है हमारे इनहाउस टीम है। तो मैं चाहता हूं कि एक जगह पे इनहाउस करके आ जाए, कि अलग अलग जो आ रहा है और अलग अलग ना। हेलो हेलो, एक बार आप म्यूट कर दीजिए सबको, क्वेश्चन पूछना होगा तो कर लेगा, पीछे आवाज आ रही है। ठीक, तो मैंने क्या किया, यहाँ कंट्रोल्स प्रेस करके जो नाम चाहिए मुझे उसको हमने सेलेक्ट किया। दो या दो से ज्यादा कंटिन्यूस भी है, अलग अलग भी है, उसको भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर इस पे राइट क्लिक करते हैं और यहाँ हम करते हैं ग्रुप। ग्रुप कीजिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ देखिए रो में कि नेम एंड नेम टू दो आ गया हुआ। तो पहले नेम को यहां से रिमूव कर दीजिए, रिमूव हो गया नेम टू, जहां पे आपका ग्रुप वन लिखा हुआ है, इस ग्रुप वन के जगह पे आप कर दीजिए इनहाउस। ऐसे एक या एक से ज्यादा ग्रुप कर सकते हैं। ये था हमारा टेक्स्ट ग्रुप। अब हम बात करते हैं नंबर ग्रुप की। नंबर ग्रुप जैसे कि आप मैं इसी को इंसर्ट करता हूँ, मुझे जैसे कि हमने यहाँ पे दे दिया, पता करना है कि जैसे कि यहाँ पे मैंने रख दिया जैन को और यहाँ पे मैं नेम को काउंट कर दिया, मुझे पता करना है कि किस रेंज का ऑर्डर मुझे ज़्यादा मिल रहे हैं। जैसे 10 पीस वाले मुझे 11 मिले, 11 पीस वाले मुझे 10 मिले, 12 वाले भी 10 मिले, तो काउंट रहा होगा। तो ऐसे 10 11 ऐसे एक एक करके देखिए, तो ठीक है, मुझे एक रेंज चाहिए। रेंज मतलब कि आपका 10 से 20 वाले कितने हैं, 20 से 40 वाले कितने हैं, 40 से 50 वाले कितने हैं, या 20 से 10 से 30, ऐसे 10 20 50 ऐसी तरह का स्लैब चाहिए मुझे। तो मैंने इसको राइट क्लिक किया एंड चला गया ग्रुप पे, तो ग्रुप में ऑटोमेटिकली आपका स्टार्टिंग और एंडिंग आ जाता है।
आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, मैंने 100 कर दिया, और ग्रुप बाय 10, अब इसको ज्यादा करना है तो ज्यादा भी कर सकते हैं। एंड ओ देखिए 10 से 19 वाले, 20 से 29, ऐसे आपका 10 10 का स्लैब। अब मैं किसी दूसरे एरिया पे करके दिखाऊं, मुझे पता करना है कि हमारा एक्चुअल जो रेवेन्यूज है, किस रेवेन्यूज के कितने हमारे कस्टमर हैं, तो मैंने इसको इंसर्ट करके पिवट टेबल लगाया, और पिवट टेबल में हमने यहाँ पे एक्चुअल को रख दिया रो में और कस्टमर को रख दिया वैल्यू में, जो इसका काउंट निकल जाएगा। फिर हमने इसको यहाँ पे राइट क्लिक किया और गया ग्रुप, और ग्रुप में यहाँ पे देखिए कि 20 से 998 आ रहा है, तो 24 के जगह पे 0 कर देता हूँ और यहाँ पे 1000 कर देता हूँ। आप इसको कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। और फिर मैं इसको ओके करता हूँ। आप देखिए 0 से 99, 100 से 99 दिख रहा है आपको, इस तरह से आप आपका हो जाएगा। ओके तो ये आपका नंबर ग्रुपिंग। अब बात करते हैं डेट ग्रुपिंग की, तो डेट के लिए मेरे पास डेट होना चाहिए, तो एक का डेटा है, कोई डेटा को लेता हूं, इसी हमारा डेटा जो इसी डेटा को लेता हूं, वहां है डेट, इसमें इंसर्ट पिवट, इसीलिए पिवट लगाया। तो अगर मैंने डेट को यहाँ रखा और यहाँ पे जैन को रखा, तो समटाइम डेट ऑटोमेटिकली ग्रुप हो जाएगा ईयर क्वार्टर और डेट में, ईयर क्वार्टर और डेट में, जैसे देख रहे हैं आप। मान लो मैं क्वार्टर को यहाँ रख दूँ तो ये देखिए क्वार्टरली आ जाएगा, ईयरली एंड क्वार्टरली रिपोर्ट ऑटोमेटिक आ जाएगा। ये क्वार्टर वन जो होगा वो जनवरी फरवरी मार्च होगा, हाँ मतलब वो फाइनेंशियल ईयर वाइज नहीं लेगा, नहीं नहीं वो कैलेंडर ईयर वाइज लेता है। ओके अब मैं अब जैसे इसको नहीं चाहिए मुझे, तो हम इसको राइट क्लिक करके अनग्रुप कर देते हैं, तो नॉर्मल जो डेट होता है वो आ जाता है। अब मुझे अपने हिसाब से ये करना है, ग्रुप करना है, तो ग्रुप पे जाऊंगा मैं, और यहाँ पे स्टार्टिंग डेट और एंडिंग डेट आपका ऑटोमेटिक आ जाता है। इसमें भी आप अपने हिसाब से चेंजिंग कर सकते हैं। मुझे मंथली चाहिए तो मैंने मंथ सिलेक्ट कर लिया एंड ओके, ये हमारा मंथली आ गया। मुझे मंथ क्वार्टर ईयर तीनों चाहिए तो मैं यहाँ पे 3 ले लूँगा, ये हमारा 3 भी आ जाएगा। तो इस तरह से आपका ग्रुप हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक दिन ध्यान रखिएगा कि हम मान लीजिए कि ग्रुप में चाहते हैं डे वाइज, मतलब हम हर 15 दिन की ग्रुप चाहिए, तो मैं डेज पे रखा नंबर और यहाँ पे 15 डाल के ओके कर दिया, तो हर 15 दिन की ग्रुप होके उसका सेल यहाँ पे आ गया। इस तरह से हम अपना डेट को ग्रुप करते हैं। ग्रुप करते समय एक चीज का ध्यान आप रखेंगे कि आपका जो डेटा जिसमें आप ग्रुप कर रहे हैं डेट है, तो इस डेट के बीच में किसी भी तरह का ब्लैंक या किसी भी तरह का टेक्स्ट नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो आपका ग्रुप होगा ही नहीं। ठीक है जी जी, सुजीत जी बोले, सुन रहा हूँ मैं। अच्छा, एक हमें अपने प्रोडक्शन फ्लोर शॉप पे कुछ एक ऐसे ऑपरेशंस होते हैं जिनको हम मशीन वाइज, पर्सन वाइज और फिर कॉस्ट वाइज ऐसे एक अलग अलग तरीके से हमें एंट्री करनी पड़ती है, तो उसकी एक ऐसे अभी तक तो सब अलग अलग करते हैं हम लोग, फिर अलग अलग ही उसके फिर एनालिसिस करते हैं हर चीज का, अलग अलग करनी पड़ती है ऐसे। तो ऐसी अगर पिवट टेबल एक कुछ ऐसी लगा के कुछ ऐसा अगर पहले आपको डेटा तैयार करना होगा, पिवट टेबल आपको बस इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा ना, वो डेटा एंट्री थोड़ी करेगा आपका। हाँ नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, ऐसे फाइल अगर डेवलप करनी हो तो आप अलग अलग एंट्री करते हो, उसको आप एक साथ एंट्री कीजिए, एक ही फाइल एंट्री होगी जिसमें तीनों
जैसे आपका एक ट्रांजेक्शन हुआ, ट्रांजेक्शन वाइज कीजिए, क्योंकि एक ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन में क्या क्या यूज हुआ उसका डिटेल डालिए। बाद में अगर आपको पता करना है कि किस मशीन पे कितना प्रोडक्शन हुआ, या किस मटेरियल में कितना प्रोडक्शन हुआ, या कि कौन सा प्रोडक्ट कितना रेडी हुआ, वो तो आप पिवट से निकाल सकते हैं। नहीं, मैं समझ गया, लेकिन ये ऐसा एक फाइल अगर डेवलप करनी है वो फिर आपको मैं कुछ ऐसा भेजूं जिससे वो हम सारी बात चीज़ करेंगे अभी आगे फॉर्मूला ही क्लासेस में, आप उसको प्रोजेक्ट में डाल दीजिएगा। चलो ठीक। तो ये हमारा पिवट टेबल में ग्रुपिंग का ऑप्शंस था। तो ग्रुपिंग समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं ग्रुपिंग में, किसी को डाउट है? सर आपने जो बताया बीच में टैक्स नहीं होना चाहिए, टैक्स ये जनवरी फरवरी के जो बीच के जो वैल्यूज हैं उसमें टैक्स नहीं आना चाहिए, राइट? नहीं, ये डेट में से हुआ ना कि कई डेट है, आप कहीं कहीं पे एन आ गया। समझे? मतलब कि कॉलम में डेट है तो डेट ही होना चाहिए, कुछ और नहीं होना चाहिए। और कोई डाउट है? राइट क्लिक कीजिए यहाँ पे, अनग्रुप कर दीजिए तो नॉर्मल डेट आ जाएगा। ओके? अब ये डेटा आप लोगों के पास में है जो मैंने भेजा था लास्ट में, उसी पे आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए और डिफरेंट डिफरेंट एंगल से आप उसको निकालिए और मुझे उसकी भेजिए, ताकि मैं देखूं कि आप कितना सीख रहे हैं। और कोई भी डाउट होता है तो मुझे आप कॉल कर लीजिएगा, हम फोन पे आपको सपोर्ट दे देंगे। अगर डाउट बड़ी है, फ़ोन पे सॉल्व होने वाले नहीं है, तो हम कल की क्लास में डिस्कस कर लेंगे। और कल की क्लास का टॉपिक है कैलकुलेशन, कि हम पिवट टेबल में कैसे कैलकुलेशन करेंगे। जैसे कि आप ही के सामने देख लीजिए कि मेरे पास जैन फेब मार्च का अलग अलग, इसमें टोटल नहीं है, तो हम डेटा में टोटल ऐड करके फिर पिवट निकाले। तो हम डेटा को छेड़छाड़ ना करें, पिवट के अंदर ही कैलकुलेशन हो, जिसका टोटल निकल जाए, इसका टैक्स निकल जाए, कंपेयरिंग हो जाए, परसेंटेज निकल जाए, वगैरह वगैरह। ये हम कल की क्लास में आपके साथ डिस्कस करेंगे। ओके सर? सर पिवट में फॉर्मूला अप्लाई होता है? जी हाँ, अप्लाई होता है, और कल हम इसी चीज पे अप्लाई करेंगे। ओके ओके चलिए, थैंक यू।